चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली की सरबराही में अहम इजलास आज होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और उनके अहले खाना की सिक्योरिटी के मामले पर गौर होगा। उवैस शाह की अदम बाजियाबी पर सिंध भर में वकला की हड़ताल, अदालती काम ठप। जमहूरियत बचा ली, आओ अब जश्न मनाएं। तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में रात भर रैलियों का सिलसिला जारी। अंकारा में हजारों अफराद की बैनर्स और झंडे उठाकर जमहूरियत और तुर्क सदर के हक में नारेबाजी। तुर्की में नाकाम बगावत के दौरान हलाक होने वालों की तादाद 290 हो गई। तुर्की में हुकूमत ने खिदमत की, इसलिए आवाम सड़कों पर निकल आई। पाकिस्तान में फौज आ जाए तो लोग मिठाइयां बांटेंगे, जश्न मनाएंगे। इमरान खान का कहना है, जमहूरियत को फौज से नहीं नवाज शरीफ से खतरा है। कप्तान का चकसवारी आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब। डेरा गाजी खान के नवाही इलाके पाएगा में पुरानी दुश्मनी पर नौजवान कत्ल, नौजवान के बाजू, होंठ और नाक काट दी गई। खून ज्यादा बहने से मौत वाकई हुई। कराची पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई, टारगेट किलर और लियारी गैंग वॉर के कारिंदे समेत 8 अफराद गिरफ्तार, असलहा बरामद। उच शरीफ में मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम, 6 अफराद जां बहक, 12 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी का मकबूजा कश्मीर में क़याम अमन से मुतालिक 4 नकाती फार्मूला। आलमी इदारों और सरबराहान मुमलिकत को तवील खत, कश्मीरियों के हक की खुद अराजियत, फौज के इनखला, अवाम दुश्मन फौजी कवानीन के खात्मे और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा। पाकिस्तान का लॉर्ड्स मिराज 20 साल बाद क्रिकेट की जन्मभूमि में फतह के झंडे गाड़ दिए। कौमी टीम ने लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड को 75 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने अपनी खिदमात को ईडी की खिदमात के नाम से मंसूब कर दिया। यासिर शाह 10 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच।